दोस्तों व्हाट्सएप में आप अक्सर देखेंगे डीपी लगाते वक्त आपका पूरा फुल साइज़ का फ़ोटो डीपी में नहीं लगता है, वो क्रॉप होकर कुछ लगता है। फॉर एग्जांपल चलिए हम आपको दिखाते हैं, इस बंदे का फ़ोटो लेते हैं। अब ये देखिए ये क्रॉप होकर इतना आया। या तो फ़ोटो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा या फिर इस तरह से लगाना पड़ेगा या फिर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फ़ोटो नहीं आएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सलूशन आ गया है, चलिए दिखाते हैं वो कैसे होगा। पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में, टाइप करेंगे व्हाट्स क्रॉप। ये देखिए ऊपर में ही है, अलग फिर मैं दिखा देता हूँ। व्हाट्स क्रॉप ये सर्च किया, ये आ गया। ये आइकन देख लीजिए, इस तरह का इसका आइकन रहेगा व्हाट्स क्रॉप का। इसको आप इंस्टॉल कर, इंस्टॉल हो रहा है, चलिए हो जाएगा। हम इसको ओपन करते हैं, ये आ गया हमारा। ये सर्कल जो है इसमें ही फोटो आपको शो करेगा। तो फोटो यहाँ पे देखिए नीचे में एक आइकन बना हुआ फोटो का, यहाँ से फोटो को सेलेक्ट करेंगे। टेक फोटो यानी कि आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आप करंट का फोटो लेकर लगा सकते हैं। सेलेक्ट फोटो जो गैलरी से उठाएंगे तो सेलेक्ट फोटो, यहाँ से मैं जाऊँगा ये थ्री डॉट पे, यहाँ पर देख लीजिए ये जितना फ़ोटो है इसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा गैलरी खुल जाएगा। लेकिन जो फ़ोटो मैं आपको लगाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, वो यहाँ से सेलेक्ट होगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आप वैसे ही कीजिएगा जैसे पहले में आया है कैनवा। यहाँ पर मैंने फ़ोटो रखा है इस हीरो का, अब मैंने इसका फ़ोटो ले लिया। ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है, इसको आप यहाँ पर चेक करके नेक्स्ट करते जाइए, कोई इशू नहीं है, इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब ये देखिए आप पे ये फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एडिटिंग का दिया हुआ है, अलाइन का दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है, एडजस्ट दिया हुआ है। फ़ोटो तो आप जान गए क्या होता है, अब एडजस्ट जान लीजिए। एडजस्ट क्या होता है, ओनली साइड सेप, यानी इसको अगर आप करते हैं देखिए क्या होता है। फिर ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको चेक करके फिर इसको क्लोज़ कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये एडजस्ट में गए, फिट टू फ्रेम, ये देखिए पूरा फ्रेम में आ गया, ऊपर का हिस्सा कट गया, हालांकि फ़ोटो पूरा आ चुका है, ऊपर का हिस्सा कट गया। एडजस्ट फिट टू सर्कल, ये सर्कल में भर ही रहेगा, ठीक है। फिट टू फ्रेम हमने आपको सिखाया, फिट टू फ्रेम में किस तरह से फ़ोटो आता है। फिट टू सर्कल आप ये देख रहे हैं। अब फिट टू स्क्वायर में आपको देखना है, इसी में आपको जब आप फिट टू स्क्वायर कीजिएगा तब आपका फ़ोटो जो है फुल फ्रेम में आएगा। व्हाट्सएप में जो है आपका पूरा फ़ोटो लगेगा, ज़रा भी कहीं भी नहीं कटेगा। लेकिन एक इशू हो जाएगा कि साइड में आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा दिख रहा है सर्कल के अंदर, मतलब ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर, तो ये हिस्सा जो है थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ शेडो आप दे सकते हैं, एडिट में जाकर आप यहाँ पे वाइट बॉर्डर दे सकते हैं, ये फ्रेम टाइप का बन जाएगा और बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो आपका व्हाट्सएप में शो करेगा। अब क्या करना है, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं, कोई सा भी कलर ऐसे ले लेंगे तो बैकग्राउंड क्या है इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इससे बेस्ट मैं कहूँगा आपको कि बैकग्राउंड इमेज दे दीजिए, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, एक से एक आपको डिजिटल इमेज मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए पैटर्न भी है, पैटर्न में भी आप ले सकते हैं, इस तरह का पैटर्न आ जाएगा बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ इसमें से कोई सा भी ले लेते हैं, चलिए हम इसी को ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए पूरा फ़ोटो आपका जो है बैकग्राउंड में आ गया है। ये बैकग्राउंड लीजिए, वो इसको लीजिए, इसको लीजिए, जो चॉइस आपको अच्छा लगे, जो सा कलर को पसंद है वो ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ, चलिए ये कलर ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। अब क्या है कि फ़ोटो को हम सेव करेंगे तो ये फ़ोटो मेरा गैलरी में सेव हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में यहाँ से लगा सकते हैं सेंड टू प्रोफाइल से, लेकिन मैं अधिकतर ये फ़ोटो सेव कर लेता हूँ। लीजिए सेव फोटो में गए, फिर से ऐड आएगा, 5 सेकंड का ऐड रहेगा, आपको सर दर्द आपको झेलना है। काट दिया हमने, इसको भी क्लोज कर दिए।
फोटो हमारा सेव हो गया। अब चलिए व्हाट्सएप में चलते हैं, देखिए पूरा फोटो व्हाट्सएप में आ जाएगा, ऐसा शो करेगा, समझ गया ना।